वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो कल हमने रीड किया था लेसन 11, राइट. टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन. सो सी फर्स्ट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन नंबर वन इज व्हेन डिड द टाइगर फील प्राउड. वी नो दैट कि कब फील किया था उसने प्राउड. व्हेन पीपल बिगन बियरिंग द स्किन. नो. व्हेन मोस्ट ऑफ द आउटर एनिमल बिगन फियरिंग ऑफ हिम. ये भी नहीं. व्हेन गॉडेस दुर्गा चोज वन ऑफ देम एज हर स्टीड. यानी पाहन बनाया जब उन्होंने तब प्राउड हुआ. सो द आंसर इज सी. नेक्स्ट विच ऑफ दिस एनिमल डज नॉट फियर अ टाइगर. तो कैट डियर डॉग फियर करते हैं बट एलिफेंट डजंट फियर. वॉट डज अ टाइगर डू टू ड्राइव अ मैन अवे. ग्रॉल हर्ल्स स्टोन ऑन मैन. तो ऑब्वियसली स्टोन कैसे फेंकेगा वो. सो द आंसर इज ग्रॉल. नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स. तो क्वेश्चन नंबर वन इज द अर्ली मैन वर फ्राइटेंड ऑफ द टाइगर. येस ऑब्वियसली. ठीक है. नेक्स्ट वन इज पीपल किल एनिमल फॉर फूड एज वेल एज फॉर देयर अम्यूजमेंट. खाने के साथ साथ जस्ट मनोरंजन के लिए भी किल करते हैं. सो इट इज अगेन करेक्ट. अ टाइगर कैन नॉट स्मेल मैन. नहीं तो ये स्मेल कर सकते हैं टाइगर्स. दैट इट इज रॉन्ग. मैन वर बॉर्न इनोसेंट एंड दे आर स्टिल इनोसेंट. तो हमने एक सेंटेंस पढ़ा था कि मैन वर बॉर्न इनोसेंट बट अब वो इनोसेंट नहीं है. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज मैन हैज़ मेड रूल्स दैट टाइगर शुड नॉट बी हंटेड. या इट इज करेक्ट. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक. सो द फर्स्ट वन इज मैन हैव देयर ओन ऑड वेज एंड सिंस एवर दे कम टू लिव ऑन अर्थ. ओके. नेक्स्ट इज द अर्ली मैन बोर द टीथ ऑफ द टाइगर अराउंड हिज नेक. नेक्स्ट वी कैन रीड मैनी स्टोरीज अबाउट द वैलर ऑफ द टाइगर इन जातकास, राइट. अर्लियर द टाइगर्स हंटेड मैन क्वाइट ओपनली एज ही हैड नो गन्स. ना तो पहले इंसानों के पास गन नहीं थे. दैट्स वाई टाइगर उनको इजीली ओपन में जो है वो हंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द एम्प्रेस एलिफेंट कैरीड होम मोर देन 100 डेड टाइगर्स, राइट. नाउ सी द ग्रामर. एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइब्ड हियर. सो यू नो दैट कि एडजेक्टिव्स आर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो किसी भी एनिमल पर्सन थिंग के उसको मॉडिफाई या क्वालिफाई करते हैं. या तो क्वालिटी बताते हैं या फिर उसे मॉडिफाई कर देते हैं. ठीक है. एंड मोर देन दैट दिस इज अनदर थिंग दैट देर आर 3 degrees ऑफ एडजेक्टिव्स, राइट. 3 degrees रेफर्स टू पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री इज द प्योर फॉर्म ऑफ द जस्ट अ मिनट पॉजिटिव. ओके. इट्स पॉजिटिव. सो द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, राइट. दैट्स रेफर्स टू द रूट वर्ड. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री, जहां पर हम दो वर्ड्स के बीच दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं. एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री एंड इट रिफर्स टू द कंडीशन वेयर वी कॉल एनीथिंग द सुपीरियर मोस्ट, राइट. एंड ये भी याद रखना है दैट पॉजिटिव रिमेन सिमिलर. लाइक इफ आई से गुड और स्वीट, तो ये रूट वर्ड है आपका. ठीक है ना. बेसिक वर्ड है या बेसिक एडजेक्टिव है. सो दैट इज़ द पॉजिटिव फॉर्म. कंपैरेटिव फॉर्म में हम er ऐड कर सकते हैं. ठीक है. क्या ऐड कर सकते हैं? er. और अगर स्पेलिंग इज क्वाइट बिगर लाइक इंटेलिजेंट नॉलेजेबल, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वी यूज मोर जस्ट बिफोर द वर्ड मोर इंटेलिजेंट. ओके. एंड द लास्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री. सो जनरली हम ESTS पे लगाते हैं. ठीक है. लास्ट में जैसे स्वीट कंपैरेटिव फॉर्म इज स्वीटर एंड द थर्ड सुपरलेटिव फॉर्म इज स्वीटेस्ट, राइट. एंड जब बड़ा सा स्पेलिंग हो तो इंटेलिजेंट इज द पॉजिटिव फॉर्म, मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव फॉर्म, एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट इज द
सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है। वन मोर थिंग टू रिमेंबर कि सुपरलेटिव फॉर्म्स के पहले द हमको यूज़ करना होता है, राइट। एंड कंपैरेटिव्स के सेंटेंसेस में जनरली हमको देन देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। सो विल डिस्क्राइब इन द ग्रामर सेशन, ठीक है। नाउ सी द एक्सरसाइजेस, क्योंकि यहाँ पर आपको जो एक्सरसाइज दिए हैं आप जानते हैं ऑलरेडी कि एडजेक्टिव क्या है, एंड दे आर अंडरलाइंड ऑल्सो लाइक इंटेलिजेंट बॉय, तो द बॉय इज़ इंटेलिजेंट, राइट। कार इज न्यू, सिटीजन्स आर सीनियर, एंड एनिमल्स आर वाइल्ड, राइट। सो हर एक चीज़ के बारे में वो डिस्क्राइब कर रहा है, उसके आगे आने वाला एडजेक्टिव, ठीक है। नाउ सी द एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट, ओके। सो हियर आपको जो है वो पॉजिटिव फॉर्म दिया है, एंड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू हैव टू यूज़ द सुपरलेटिव, पॉजिटिव और कंपैरेटिव, जो भी वहाँ पर बेस्ट फिट हो रहा है वो आपको लिखना है, राइट। सो सी मालविका इज़ द, तो ऑब्वियसली अगर दा है तो हमें सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ करना है, तो ओल्ड इज़ द, ओल्ड को हम किस क्या करेंगे, ओल्डेस्ट। मालविका इज़ द ओल्डेस्ट गर्ल इन द क्लास, बट सी इज़ एज इनोसेंट, एज इन एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव फॉर्म आता है, तो एज इनोसेंट एज, ओके। नेक्स्ट, द फ्लड सिचुएशन टुडे इज़ वर्स दैन, सो यू कैन सी टी एच एन दैन इज़ देयर, तो यहाँ पर हमने बैड का कंपैरेटिव फॉर्म वर्स यूज़ किया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन थर्ड है, वहाँ पर भी आप देखिए स्ट्रैटेजी दैन, ठीक है। सो यहाँ पर भी आपको दैन दिखाई दे रहा है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे शॉर्टर और लिटिल का लेस फॉर्म यूज़ किया है, ओके। नेक्स्ट इज़ ही मे बी द, तो ऑब्वियसली सक्सेसफुल का हम मोस्ट सक्सेसफुल वर्ड यूज़ करेंगे, देन वेरी, तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपली प्राउड एंड एरोगेंट यूज़ करना है। नेक्स्ट इज नंबर सिक्स, सो एप्पल्स मे नॉट बी एज स्वीट एज, ओके, राइट हियर, नॉट, डोंट राइट स्वीटर, राइट स्वीट एज मैंगोज, बट दे आर सर्टेनली मोर न्यूट्रीशियस, ठीक है। तो कंपेरिजन डायरेक्ट नहीं है, बट वी नो दैट कि उनका न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, राइट। नेक्स्ट इज डोंट यू एग्री दैट दिस इज द सीरियस मोस्ट प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट यू वर मोर हंग्री देन आई, तो दैट है यहाँ पर, दैट को हमने देन कर देना है, ठीक है। देन आई वॉज बट एट लेस राइस देन मी, ओके। सो दीज आर द एक्सरसाइजेस। इसके बाद एक आपको क्वेश्चन नंबर वी है, जहाँ पर आपको करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सो उनमें जो भी मिस्टेक्स हैं वो आपको एज अ होमवर्क यू हैव टू डू, एंड नेक्स्ट वी आर टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, राइट। सो क्वेश्चन नंबर वन इज Why in ancient times men would draw the pictures of the wild animal on the walls of his caves? तो ancient time में इंसान क्यों draw करता था pictures of animals? So the answer is man believed that if he drew pictures of these and those wild animals, they could trap their spirit, then it would be easy for them to hunt those animals. So ऐसा man believe करता था कि जब वो draw करेगा अपनी cave में तो उन एनिमल्स की स्पिरिट को वो ट्रैप कर लेगा, राइट, और उसके बाद आराम से उनको हंट कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द टाइग्रेस फील दैट द मैन हेट्स ऑल द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ हर स्पीसीज, क्यों टाइग्रेस को लगता था कि उसकी स्पीसीज के सारे एनिमल्स को वो जो है हेट करते हैं? सो द आंसर इज द टाइग्रेस फेल सो बिकॉज मैन हैव किल्ड सो मैनी वाइल्ड एनिमल्स ऑफ हर स्पीसीज that they are nearly extincted. तो उसे ऐसे लग रहा था क्यों, क्योंकि इंसानों ने बहुत सारे वाइल्ड एनिमल उसके स्पीसीज के लाइक लॉयंस को किल किया, टाइगर्स को किल किया, चीतास को किल किया, राइट। तो उसकी जो भी स्पीसीज है उसमें से कई सारे एनिमल्स को इतना ज़्यादा हंट किया गया है कि दे आर नियरली एक्सटिंक्टेड, अब वो विलुप्त, विलुप्त मतलब ख़त्म होने की कगार पर पहुँच गए हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री इज What is this story about? So this story presents a concern of a tigress of how a human being getting more cruel towards animal. तो हमें पता है कि स्टोरी में टाइग्रेस का कंसर्न शो किया गया है कि कैसे इंसान जो है वो ज़्यादा क्रूअल हो रहा है एनिमल्स के लिए।
ना क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मैसेज द स्टोरी इज ट्राइंग टू गिव. तो क्या मिलता है हमें मैसेज, दैट एवरी क्रीचर लिविंग ऑन दिस अर्थ शुड हैव गिवन अ फेयर चांस टू लिव. हर एक क्रीचर, हर एक जीव जो यहाँ इस अर्थ पे रहता है, उसको टाइम, उसको मौका मिलना चाहिए जिंदा रहने का, है ना. बिकॉज दे हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस इन आर इकोसिस्टम. क्योंकि अगर हमारा इकोसिस्टम है, उसमें हर एक एनिमल का इम्पोर्टेंस होता है, और अगर हमने अभी भी उसके बारे में बहुत ही नहीं सोचा तो क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. व्हाई इज़ देयर सो मच डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ लॉयंस फिगर. लॉयन का जो नंबर है, ठीक है, इतना कम क्यों हो गया है. तो लॉयंस आर बींग हंटेड रथलेसली बाय ह्यूमन बींग, दस द फिगर इज़ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग. लॉयन जो है उनको कंटिन्यूसली बिना सोचे समझे जो है जस्ट फॉर द ग्रीड मारा जा रहा है. दैट्स वाई क्या हो रहा है, उनके नंबर्स जो हैं वो कम होता जा रहा है, ठीक है. नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द टाइग्रस सडनली अ मिरेकल हैपेंड. व्हाट वाज दैट मिरेकल, राइट. सो द मिरेकल वाज दैट कि मैन हैज डिसाइडेड दैट टाइगर्स शुड नॉट बी किल्ड एनी मोर. इंसानों ने अचानक से डिसाइड कर लिया कि अब एनिमल्स को, या स्पेशली हम टाइगर को यहाँ डिस्कस कर रहे थे, तो टाइगर उन स्पीसीज को, उसकी स्पीसीज को जो है वो किल नहीं करना है. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे, गुड बाय. ओके, एंड डू द होमवर्क ऑन टाइम एंड सेंड इट टू मी.